नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं बिप्लब कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की और हिंदी साहित्य के रचनाओं को किस तरह टिप्स पर याद किया जा सकता है, उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और साथ ही हम अपने छात्रों को कहना चाहूंगा कि जो अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं या हमारे पास पढ़ के जीवन में सफलता पाए हैं, वो जरूर हमारे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और लिखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त के रचनाओं को किस तरह आप टिप्स पर याद रख सकते हैं। एक सिंपल, अगर आपने जीवन का 1 से 2 मिनट दे दिया तो जीवन में आप मैथिली शरण गुप्त की रचना कभी नहीं भूलेंगे, और वो भी डेट सहित, ये मेरा लिखित गारंटी है। अगर आप भी इसी तरह संपूर्ण साहित्य को कोडिंग में डेट सहित टिप्स पर याद रखना चाहते हैं, जिससे कि कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम को आप पास कर जाए, तो हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं और हम लिखित गारंटी देते हैं। एग्जाम कोई भी हो, आपको लिखित व्हाइट पेपर पे गारंटी मिलेगा कि अगर आप मेरे क्लास से जुड़ते हैं तो आपका रिजल्ट होगा। हमारे छात्रों के रिजल्ट को आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर कहीं पर भी देख सकते हैं, उनके इंटरव्यू को देख सकते हैं और समझ सकते हैं हमारी रणनीति। तो दोस्तों, आज मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को हम देखेंगे। जैसे कि बोर्ड पर हमने लिखा है, हेमंत रंग में भंग। तो एक सिंपल कोडिंग, 1 मिनट में इन सारी रचनाओं को हम याद कर लेंगे कि मैथिली शरण गुप्त यानी गुप्त जी अपने पुत्र, 5 साल के पुत्र हेमंत से कहते हैं। देखिए, सिंपल कोडिंग है, याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जो है अपने 5 साल के पुत्र हेमंत से कहते हैं कि रंग में भंग हुआ जब जयद्रथ का वध हुआ। कोडिंग समझिएगा दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त जी अपने पुत्र हेमंत, हेमंत पहली कविता है मैथिली शरण गुप्त की, और रंग में भंग पहला काव्य संग्रह है 1909 का, ये याद रखिएगा। तो मैथिली शरण गुप्त अपने पुत्र हेमंत से कहते हैं कि रंग में भंग हुआ जब जयद्रथ का वध हुआ। 10वें, रंग में भंग हुआ दोस्तों जब जयद्रथ का वध हुआ। भारती भारती चिल्लाते हुए किसान पंचवटी पहुंचे दोस्तों, भारती भारती चिल्लाते हुए किसान पंचवटी पहुंचे। हिंदू झंकार करने लगे साकेत में। फिर से समझिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं दोस्तों, अपने पुत्र हेमंत से कहते हैं कि रंग में भंग हुआ तो जयद्रथ का वध हुआ। भारती भारती चिल्लाते हुए किसान पंचवटी पहुंचे, हिंदू झंकार करने लगे साकेत में। मैंने कहा था कि 1 मिनट में आपको यह रचना याद हो जाएगा, और मेरी लिखित गारंटी है कि आप जीवन में नहीं भूलोगे 3 से 4 बार अगर वीडियो को आपने देख लिया। तो मैथिली शरण गुप्त अपने पुत्र हेमंत से कहते हैं कि रंग में भंग हुआ जब जयद्रथ का वध हुआ, रंग में भंग हुआ जब जयद्रथ का वध हुआ। भारती भारती चिल्लाते हुए किसान पंचवटी पहुंचे, भारती भारती चिल्लाते हुए किसान पंचवटी पहुंचे, और वहीं पर हिंदू झंकार करने लगे साकेत में। हिंदू झंकार करने लगे साकेत में, हिंदू झंकार करने लगे साकेत में, और यशोधरा द्वापर जाकर जय भारत करने लगे विष्णु प्रिया के साथ। यशोधरा द्वापर जाकर दोस्तों जय भारत करने लगे विष्णु प्रिया के साथ। यशोधरा द्वापर जाकर जय भारत करने लगे विष्णु प्रिया के साथ। इतना सिंपल कोडिंग आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। अंतिम बार समझिए कि मैथिली शरण गुप्त जी अपने पुत्र हेमंत से कहते हैं, रंग में भंग हुआ जब जयद्रथ का वध हुआ, भारती भारती चिल्लाते हुए किसान पंचवटी पहुंचे, हिंदू झंकार करने लगे साकेत में, और यशोधरा द्वापर जाकर के जय भारत का गान गाने लगे विष्णु प्रिया के साथ।
यशोधरा जो है द्वापर जाकर जय भारत का गान गाने लगे विष्णु प्रिया के साथ। तो आपने देखा कि 1 से 2 मिनट में आपको गुप्त जी की जो फेमस रचना हर बार पूछा जाता है उसे टिप्स पर याद हो गया। अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो हम डेट की भी आपको कोडिंग के द्वारा रचनाओं के डेट को भी याद करवाते हैं और इनके मूल विषय जो भारत भारती का मूल विषय क्या है, यशोधरा का मूल विषय क्या है, विष्णु प्रिया का मूल विषय क्या है और पंचवटी के मूल विषय क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खासकर हम अपने छात्रों को कहना चाहेंगे कि आप जो भी ईमानदारी से क्लास मेरे पास पढ़ रहे हो, आप ईमानदारी से जरूर कमेंट करें, जिससे लोग भी जाने, नए बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो भी जाने कि हमारा टीचिंग स्टाइल क्या है, हम किस तरह पढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से हम एक नए कोडिंग के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए। सफलता का एक ही राज है, हार्ड वर्क और सही सही गुरु का मार्ग।